दुख के सुख दो दरवाजे हैं, पाप से पुण्य दो दरवाजे हैं, दुख से सुख दो में संतरी है। भगत कबीर सिंह कह रहे हैं, काम दिवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुण्य दरवाजा। पुण्य जिस कर्म को दूसरे को कुछ मिल गया है, देता गया है पुण्य, तो पुण्य का फल सिर्फ दुनियावी सुख है, आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। यदि मैं मेरे किसी कर्म को जगत को कोई सुख मिल गया, कोई पदार्थ मिल गया, कला मिल गई, ज्ञान मिल गया, कुछ भी मिल गया, एक पुण्य है, तो इस पुण्य के प्रभाव के नाल दुनियावी सुख मिल रहे हैं और कुछ नहीं। दान परापूर्वेण भुजंते महीपते, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कल का बीते हुआ दान अज राजे महाराजे भोग गए। उस कमरा जो कल जो पिछले महीने बीता, जो पिछले साल बीता, जो पिछले 10 साल कीता, जो पिछले जन्म विच कीता, क्योंकि इसके बीज दे उत्ते गल है, कुछ बीज उगरदे ने फल तक पहुंचते हैं, साल में कुछ पहुंचते हैं, 6 महीने कुछ पहुंचते हैं, 5-10 साल जिंदगी रोज रोज छोटी होती जा रही है, तो बीज असी रोज पाते जाइए, कुछ ऐसा भी होंगे जिंदगी का अंत हो जाता, बीज बोए बाकी रह जाना तो अगला जन्म और फिर चल रहा है, इस तरह चल रहा है। दान परा पूर्वेण भुजंते मही पते, पूर्वले कीते हुए पुण्य आज के बड़े बड़े धनाम या राजे महाराजे भोग रहे हैं। ज्ञान नहीं है ना, कोई आत्म आनंद नहीं है, समाधि नहीं है, बस सिर्फ दुनियावी सुख ने, कोई पूर्वला कीता दान और कुछ नहीं, सिर्फ दान है, ज्ञान नहीं। तो बिना कोई आत्मक शांति नहीं हो, तो आत्मक शांति वास्ते कोई बीज बोया नहीं। इस वास्ते पुण्य भी मन का दरवाजा कह देता है, ते पाप को भी दरवाजा कह देता है, ते दोनों से बैठे हैं दरबान केड़े, सुख ते दुख, पुण्य के दरवाजे से बैठा सुख मजा ले आशा दीवार की एक पंक्ति अंदर जान दे, मजा ले सुखमनी साहब की एक अष्टपदी अंदर जान दे, वाहगुरु वाहगुरु जपो मजा ले अंदर जान दे, ये सुख नहीं जान देता। दुख वो अपनी तरह की रोग है, और भी लट लेके खड़ा कुछ नहीं अंदर जान देता, बहुता दुखी बंदा वो किस तरह अंदर बाणी जो है जान देगा, तो बहुता सुखी बंदा मुश्किल। कबीर कहने ये उस किले के दो दरवाजे ने, ते दो दरबान, पाप पुण्य दरवाजा, पाप ते पुण्य दोवें कोई थां ते खड़ा कर दिता कबीर ने, बल्कि खुल के भी कह दिया है, पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तयो गुण आन, पाप ते पाप है पुण्य भी पाप है। तुसी हैरान हो, गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है, पाप ते पाप है पुण्य भी पाप है, भाव इस पुण्य तो भी परमात्मा नहीं मिलेगा, कोई दुनियावी सुख और कुछ नहीं। क्यों पहले देखना पड़ेगा पाप बंदा क्यों करता है, बंदा पाप करता है अज्ञान वस होके, बंदा पाप करता है लोभ वस होके, बंदा पाप करता है अहंकार वस होके, बंदा पाप करता है आशा तृष्णा वस होके। जी मनुख पुण्य भी करे अज्ञान वस होके, पुण्य भी करे लोभ वस होके, पुण्य भी करे अहंकार वस होके, पुण्य भी करे आशा तृष्णा वस होके, पाप उन्हें फर्क ही रहे, अज्ञान करके पाप कीते अज्ञान करके पुण्य पिया करते, लोभ करके पाप कीते लोभ करके पुण्य पिया करते, हंकार करके पाप कीते सन दूजे नु दबाया सी, हंकार करके पुण्य पिया करता है, कोई दूजे पछड़न ते मैं अगे हां, मैं महान दानी हां ज्ञानी गुरमुख हां। पाप निकले सन हंकार, पुण्य भी हंकार हो, पाप निकलिया सी अज्ञान तो, पुण्य भी अज्ञान तो, पाप निकले सन लोभ तो, पुण्य भी लोभ तो निकले, दोवां दा गल ते इक्को ही है, बुनियाद ते इक्को ही है, पाप पुण्य दोए एक समान, निज गुण पारस तजो गुण आन। इस वास्ते कहने मन राजा जिस किले च रहिंदा है, पाप पुण्य दो दरवाजे ने, सुख दुख दो संतरी खड़े ने, कामनावां दीआं दीवारियां ने, सारा दिन कामनावां आउंदियां ने जांदियां ने आउंदियां ने जांदियां ने, उत्थे ए मदमस्त राजा बैठ, काम के वारी दुख सुख दरबानी,
आप कुन दरवाजा क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर ते मनमावासी राजा किस मन राजे का प्रधानमंत्री कौन है क्रोध कहना वजीर पैदा हो ना राजा आप ही पैदा हो जाता है वजीर ही पैदा क्रोध पंडित गुलाब सिंह जी ने मौत विवेक की जंग लिखी है प्रबोध चंद्र नाटक एक बहुत बड़े ग्रंथ है और यह ग्रंथ जब गुरुद्वारे निर्वड़े ने उदासियां को आते सन इसकी कथा भी होती सी कि विद्यार्थियों लाजमी पढ़ाया जाता है प्रबोध चंद्र नाटक भावर सामरस प्रबोध चंद्र नाटक सार कितावली बिरती प्रभाकर यह ग्रंथ पढ़ा के अगले मिशनरी पढ़ाया जाता है इसके नाम निशान ने लिया गल नहीं ली प्रबोध चंद्र नाटक ये गुलाब सिंह जी महाराज दे बड़े महात्मा सन मोह के विवेक की जंग लिखते हैं एक पासे मोह की सेना एक पासे विवेक ज्ञान की सेना होया कि मोह राजा हारता गया उसकी बड़ी प्रबल हार हो गई उदास बैठा सी मोह राजा क्रोध आया सिपा सलार यह सिपा सलार से राजे ने कहते राजा राजे ने इतने दुखी क्यों बैठे इतने बेचैन क्यों बैठे मोह कहता अद्धी तो ज्यादा सेना मारी जा चुकी है चारे सिपा सलार भी मारे गए काम मारे गए लोभ मारे गए हंकार मारे गए और इन्हों का सारे ईर्षा वह भी मारी गई क्रोध जरा सामने आया कहता मैं ते हाँ राजन दुखी होने की हो मैं ते हाँ अजय मैं ते मौजूद हाँ मोह थे कहता तू की करेगा जिथे काम पछड़ गया जिथे विवेक ने हंकार लिटार के रख दिता जिथे लोभ की दाल नहीं गली तो तू की करेगा तो पंडित गुलाब सिंह जी ने उसे लिखा क्रोध आवाज क्रोध दे बोल क्रोध बोलिया मोह दे कहने अंध करो दृगवंतन को श्रुतवंतन को बदरो कर डारो धृतवंतन को सो अधीर करो अर चादर की मत दूर निवारो हित कारज नाय पिठे कब ही जिनके उर भीतर मैं पग धारो इत आत्म को न सुनो कभी पढ़ो जितनो खिन मान दिसारो कहता है राजन पहले तो मेरा एक काम होएगा अंध करो दृगवंतन को अखा वाले अंधा ही कर दिया कख नहीं दिखाई देगा जब क्रोध चढ़ता है तो कुछ पता चलता की कर रहे हैं क्रोध वक्ती पागलपन है और पागलपन अस्थाई क्रोध टिक गया क्रोध पक्का पागल पागल की पता नहीं की बोल रहे हैं की कर रहे हैं किड़े पास जा रहे हैं क्रोध कहता है अंधा कर रहे हैं जिधर पढ़े लिखे ज्ञानी ज्ञानी ने अंधा कर दिया अंध करो दृढ़वंतन को श्रुतवंतन को बदलो कर डारो जिधर विचारक ने दार्शनिक ने पागल कर दिया कख नहीं समझ रहे जिन्होंने बड़े अपने ज्ञान का मान हो धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो जिहड़े धीरजवान साबर बंदे ने सबर संतोख रखने वाले ने अधीर कर दिया उन्होंने सबर तोड़ के रख दिया उन्होंने अंदर धीरज रह गई वह भी जल्दबाज हो जाएंगे एकदम काली सब कुछ कर देंगे काली दे जल्दबाजी जिहड़ा करना है ना यकीन जानो गलती हो सही नहीं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे एक बोल बड़ा कीमती लिखा है बस समाप्ति कर लें ओके औरंगजेब को उपदेश कर रहे हैं साहेब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप कहते हैं कि कुछ गुप्त तो फिर दोषी कुछ कर जमान के सूदी बवद कारे आहे मना ऐ औरंगजेब कितना खूबसूरत फिर दोषी ने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना का तू तो शैताना की तरह सोचे सोचिए नहीं छेती छेती सारा अनर्थ की है तू ग्रामा नु कतल करन लगे सोचिया ही नहीं तू प्यो नु जेल विच पान लगे सोचिया ही नहीं तू सरमद नु कतल करन लगे सोचिया ही नहीं
और तुम गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने शहीद करने लगा, जरा भी शर्म है तो कम नहीं है, धीरज तो कम नहीं है। तू शैतान है, इंसान नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी सब कुछ हो गई है, शर्म च नहीं। जब क्रोध चढ़े हुए शर्मा नहीं रहता। ऋतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निभाओ। कितना ही चलाक हो, कितना ही चातर हो, कितना ही सियाणा हो, क्रोध कहता वो मत ही कट के रख दें, सारिया चतराइयां करके रख दें, ऐन मूर्ख बना के रखें। अगां ये क्रोध कहता हित कारज ना पिखे कगनो, जिनके उर भीतर मैं भगत आरो, जिदे अंदर हिरदे मैं पैर रख लेना, वो अपना बिगड़ता हुआ काम भी नहीं देख सकता। तो मेरा काम बिगड़ क्रोध करके मेरा ही नाश हो गया। जित आत्म को ना सुने कब हूं पढ़ियो, जित नौखे नमान दिसारो, अपनी समीर की आवाज भी नहीं सुन सकेंगे। जिंदगी भर जो पढ़े है एक छिंदे च बुला के रख लिया। सार किताबली विच भी बड़ा कीमती लिखे आपके सामने रखा। वो कहिंदा उपजे धर्म वाक सत कर अत, जबान ते सच ले आईए ते धर्म का बूटा पैदा होता है। इतों धर्म पैदा होता है। उपजे धर्म वाक सत कर अत, मैं तो देखा है झूठ बोलने चलो कुछ लाभ है, चलो मनुख बोलता है, बिना लाभ तो भी कई बोली जाते, सारा सारा दिन बोली जाते, परिवार के झूठ, बाजार के झूठ, संसार के झूठ, जिस तो कोई लाभ भी नहीं वो झूठ मिथ्या हो मन मैं। उपजे धर्म वाक सत कर, बाबा फिर भी कहने बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे वाक मुरीदा जोलिए। उपजे धर्म वाक सत कर अत, दया दान कर धर्म वधे, वो जो धर्म का बूटा सच दे जाप नाल जो है पैदा होता है, दया करना सेवा परोपकारी बिरदियां नाल वो वधदा है, जल है सिंचन। स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म का बूटा बड़ा कोमल है, वो खिमा की थंबी नाल टिके रहता है, जैसे कोमल फुलना बूटिया सोटी का सहारा ले, तूफानी हवा में टूट ना जाए। तो स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म क्रोध कर होत विभंगा, छिन मात्र क्रोध करिए वो जो बीज बोया सी धर्म का बूटा जरा बनते असैन जल के खाक हो गए, छिन मात्र क्रोध। पता नहीं कितने महीनों का जप तप गया, कितने महीनों की बंदगी, एक छिन मात्र क्रोध करना। परबल धर्म जो शिखर तक नहीं पहुंचया, परमात्मा की प्राप्ति तक तो नहीं पहुंचया, पर जीवन भर धर्म चलता रहा तो बंदे का अंत हो गया, पर धर्म अपने शिखर पर ना पहुंचया हो तो वह धर्म जाया नहीं जाता, उसका फल की होंगे, उसका फल सार किताब जी के करते ने अगे लिखे, थोड़े समय रखा। वो कहता शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत है, पंडित दे अरोग उन धर्म जान फल सत। कहिंदा प्रथम ते किसी चंगे घराने उसका उर्वले कर्मां दे प्रताप करके जन्म हो गया, जिथे उसनू दुनियावी सहूलतां भी मिलन ते परमात्म दीआं सहूलतां अध्यात्मक सहूलतां, इस तरह उन्हूं घर मिलेगा, ऐसे मां बाप, ऐसा संजोग, ऐसा वातावरण। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, तन करके भी खूबसूरत होगा, उसका तन भी प्रभावित करेगा, उसका तन का स्वपन भी कई काम अपने आप कराएगा। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत, भूमि पत होगा, बहुत सारी जमीन का मालिक होगा, तरह तरह के पदार्थ उसके काबू च होंगे, आपत विपता तो रहित होगा, उसके कोई विपता भी नहीं, कोई विपता नहीं आएगी, पूर्वले कौन प्रताप करके वो विपता तो भी बचे आएगा। पंडित दे ही अरोग उन विद्वान होगा, पंडित होगा, धर्म ग्रंथा का ज्ञाता होगा, जीवन और प्रभु की सार होगी, सूझ होगी, समझ होगी। पंडित देही अरोग गुण, देही करके अरोग
कंचन वर्गी देवी हो। पंडित देवी अरोग गुण धर्म जान फल सत कहते ये सत फल पूर्वड़े धर्म ने। अगर इस तरह किसी को है तो किसने कुछ पीछे जब तक की तरह गल होती है, जब तक करके परमात्मा नहीं मिलया, पर जब तक करके अच्छे मां बाप मिल गए हैं, जब तक करके अच्छा घराना मिल गया, जब तक करके तन का स्वपन मिल गए, पिछले पुन प्रताप करके धन संपदा मिल गई, भाग उद्यम लगन में आया, और पिछले पुन प्रताप करके ये विद्वान देही करके अरोग है, कोई रोग नहीं। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन भूप भोग आपत पंडित देही अरोग कुन धर्म जान फल सत। तो जिस धर्म का इतना फल है, छिन्न मात्र क्रोध की क्या धर्म नाश हो गया, क्रोध इतना फल है, क्रोध इतना भयंकर है। तो एक क्रोध मन रूपी राजे का वजीर आजम है, काम के बारी दुख सुख दरवानी पाप पुण्य दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबट दुंदर तय मनमा वासी राजा। इस राजे को कोई शस्त्र नहीं, खुद पहन रखे ने इस राजे ने, आप कहने में कबुद्ध कमा तो मम स्वाद सना तो ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई कृष्णा तीर रहे घट भीतर के हो घट लियो न जाई। संजो पैनी होंगे इस मन रूपी राजे ने कह दी तरह तरह के स्वाद आंदी, अखां दा रस, कन्ना दा रस, रसना दा रस, नासका दा रस, खलड़ी दा रस, हर वक्त किसी रसे च रहना, कोई ना कोई रस चाहिए। जी अखां दे रस तो वेले होए तो मन जबान दा रस चाहिए, तो मन जबान दे रस ते वेले होए ते खलड़ी दा रस चाहिए, ते खलड़ी दे रस तो वेले होए ते हुण कन्ना दा रस चाहिए, ते इत्थों जो वेले होए नासका दा रस चाहिए, इत्थों वेले होए ते फिर अखां दा रस चाहिए, बस किसी रसे च रहना है संजोग। और ये रस मजा ले रबी रस नेड़े जाने स्वाद सना टोप ममता को सिर देते टोप है लोहे का संजो जेड़े पहनते सन ते पुराने जेड़े सैनिक मैदान जंग लड़ते सन ते लोहे का टोप सिर ते रख लेंदे सन ताकि सिर शस्त्र तो बचे। सिख लोग दस्तार दे ते चक्कर सजांदे सन लोहे का चक्कर, वो महज इस वास्ते जेड़ा वार करे तलवार नाल वो चक्कर दे लगे सिर ते ना, और चक्कर लाण दा कोई मतलब नहीं। दस्तार दे उपर जो चक्कर लोहे दा जो खिंच के तलवार मारे वो चक्कर दे लगे, ये चक्कर बचा देंगे दस्तार रक्षा कर देंगे। स्वाद सना टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई, भैड़े विचारां दी कुबुद्धि दी कमान है इसके कुल जिदी तृष्णा दे तीर, कुबुद्ध कमान चढ़ाई कृष्णा तीर रहे गढ़ी न जाए। कबीर कहने किला मैथों नहीं जितया जाता, मैं मन को वेख के आया बड़ा लंबा पसारा वह। तो कबीर कहने जब मैं वापस आया सारा मन का निरीक्षण करके देख के, तो मैं भी सोचा मैं भी कोई सेना बना, मैं भी कोई समर्था जुटावा, मन नाल जंग करनी कोई अल्लाह जी का गल हो, कभी मन नाल झगड़न जाओ तो जो पता चलेगा ये कोई दाऊद पछाड़ के रख कुछ भी जिमें कोई महान वड्डा पहलवान ते पांच साल के बच्चे को चुप के परे सुट देना, इस तरह यकीन जाना मन साढ़े कीते हुए कर्मा चुप के परे सुट देता है। महीना दो महीना जो कुछ कर रहे हैं एक छिन्न चुप के परे सुट देता है, कीती किताई पाने पर। तो कबीर कह रहे थे मैं नहीं कुछ जुटा लिया जंग जो करनी, तो मैं उसकी ताकत देख रही है ताकत है, तो मैं गल इतों आरंभ की थी दूजे की ताकत देखे बिना समझे बिना वो गुथम गुथम होना यह मूर्ख है, चाहे बाहर चाहे अंदर, चाहे मन नाल लड़ना चाहे दूजे नाल चढ़ना या बाहर लड़ना चाहे अंदर लड़ना, दूजे की ताकत देख लेनी चाहिए। दूजे की ताकत से कोलों ज्यादा ताकत हो लड़न का तरीका करना चाहिए, कम से कम बराबरी की तो जरूर हो, दूजी के ताकत नालों घटता गल है तो फिर मुश्किल है, फिर त्योहार ही आ
फिर तो जीत का कोई मतलब नहीं होता। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहते ने मैं है मन की ताकत नु ना पे देख बड़ा समर्थ है, तो कहने फिर मैं भी समर्था जुटानी शुरू की थी। ओ केड़ी कौन मुख्तसर को काफी समा हो गया है। प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जाली एके चोट से लाया। फिर मैं ज्ञान की टोप लेंगी कि ज्ञान तुर्क तरीक जानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कार नहीं कछुक पढ़िए ज्ञान कभी कहने कुछ ना कुछ तो समझना चाहिए सत्संग धर्म ग्रंथों में अपनाना चाहिए ज्ञान। मैं ज्ञान की तौब नूं अगे कीता सुरत की तौब नूं अगे कीता विचार की तौब नूं अगे कीता पिछे पाया मैं ज्ञान का गोला ते गोला बिना पलीते दे नहीं चलता। शायद पुरानियां तौबां थोड़े चों किसी ने देखिया हो पलीता हाथ च आता सी जिहड़ा तौबची हुंदा सी ना तौब चलाने वाला ओ ही पलीता लांदा सी ते फिर तौब चलदी सी उहदे नहीं चलदी सी। भावें मनुख कितना विचारक होवे उहदे कोल कितने ग्रंथां दा ज्ञान होवे पलीते तो बिना यह ज्ञान कम नहीं करेगा। ये अपनी सोचनी विचार कम नहीं करेगी, ये धर्म ग्रंथा का ज्ञान भी कम नहीं करेगा जे पलीता नहीं ये गोला नहीं चलेगा। तो पलीता की है प्रेम पलीता प्रेम है तो ज्ञान कम करेगा जे नहीं प्रेम है तो अपनी सोचनी कम करेगी वरना नहीं। ये थोड़े बहुत अभ्यासी होंगे उन्होंने पकड़ च गल जरूर आएगी। प्रेम है तो दान कम करेगा जे नहीं प्रेम है ज्ञान कम करेगा वरना नहीं प्रेम है अपनी सोचनी कम करेगी वरना नहीं प्रेम है तो रोज गुरुद्वारे आया भी कम करेगा नहीं ते नहीं प्रेम है तो की सेवा फली भूत होगी वरना नहीं। मूल से पलीत है पलीते तो बिना तो कि चलेगी।